Hello friend, welcome to my YouTube channel Satyam Movie Review. आज हम बात करेंगे साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार चिरंजीवी के 1985 ईयर टू 2022 ईयर तक के मूवी के रिलीज डेट, बजट एंड कलेक्शन के बारे में. So इस वीडियो को एंड तक देखें. Don't waste time, let's start the interesting video. एक नंबर में है चतांथ्रोपोरटम, जो 1985 में रिलीज हुआ था. बजट था 50 लाख, कलेक्शन था 65 लाख और इसको एवरेज का टैग मिला था. दो नंबर में है डोंगर, जो 1985 में रिलीज हुआ था. बजट लाख नौ, कलेक्शन था 1 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था. तीन नंबर में है चिरंजीवी, जो 1985 में रिलीज हुआ था. बजट था 1 करोड़, कलेक्शन था 3 करोड़ और इसको सेमी हिट का टैग मिला था. चार नंबर में है ज्वाला, जो 1985 में रिलीज हुआ था. बजट था 90 लाख, कलेक्शन था 4 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था. पांच नंबर में है पुली, जो 1985 में रिलीज हुआ था. बजट था 40 लाख, कलेक्शन था 25 लाख और इसको फ्लॉप का टैग मिला था. छह नंबर में है रत्ता सिंदूरम, जो 1985 में रिलीज हुआ था. बजट था 2 करोड़, कलेक्शन था 7 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था. सात नंबर में है अदामी डोंगा, जो 1985 में रिलीज हुआ था. बजट था 80 लाख, कलेक्शन था 3 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था. आठ नंबर में है विजेता, जो 1985 में रिलीज हुआ था. बजट था 50 लाख, कलेक्शन था 7 करोड़ और इसको सुपर हिट का टैग मिला था. नौ नंबर में है किराथा कुडू, जो 1986 में रिलीज हुआ था. बजट था 22 लाख, कलेक्शन था 18 लाख और इसको फ्लॉप का टैग मिला था. दस नंबर में है कोडवी की राजा, जो 1986 में रिलीज हुआ था. बजट था 60 लाख, कलेक्शन था 3 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था. ग्यारह नंबर में है मगधीर दूत, जो 1986 में रिलीज हुआ था. बजट था 75 लाख, कलेक्शन था 2 करोड़ और इसको सेमी हिट का टैग मिला था. बारह नंबर में है वीटा, जो 1986 में रिलीज हुआ था. बजट था 90 लाख, कलेक्शन था 70 लाख और इसको फ्लॉप का टैग मिला था. तेरह नंबर में है चंटबाई, जो 1986 में रिलीज हुआ था. बजट था 80 लाख, कलेक्शन था 1.2 करोड़ और इसको एवरेज का टैग मिला था. चौदह नंबर में है रिक्शासुदू, जो 1986 में रिलीज हुआ था. बजट था 45 लाख, कलेक्शन था 4 करोड़ और इसको सुपर हिट का टैग मिला था. पंद्रह नंबर में है धैर्यवंतुडू, जो 1986 में रिलीज हुआ था. बजट था 35 लाख, कलेक्शन था 26 करोड़ और इसको फ्लॉप का टैग मिला था. सोलह नंबर में है चाणक्य सपथम, जो 1986 में रिलीज हुआ था. बजट था 70 लाख, कलेक्शन था 45 लाख और इसको फ्लॉप का टैग मिला था. सत्रह नंबर में है डोंगा मोगुडू, जो 1987 में रिलीज हुआ था. बजट था 22 लाख, कलेक्शन था 3.75 करोड़ और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था. अठारह नंबर में है आराधना, जो 1987 में रिलीज हुआ था. बजट था 55 लाख, कलेक्शन था 39 लाख और इसको फ्लॉप का टैग मिला था. 19 नंबर में है चक्रवर्ती, जो 1987 में रिलीज हुआ था. बजट था 1 करोड़, कलेक्शन था 3 करोड़ और इसको सेमी हिट का टैग मिला था. 20 नंबर में है पासेवाड़ी प्रणाम, जो 1987 में रिलीज हुआ था. बजट था 30 लाख, कलेक्शन था 5 करोड़ और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था. 21 नंबर में है स्वयं खुशी, जो 1987 में रिलीज हुआ था. बजट था 50 लाख, कलेक्शन था 3 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था. 22 नंबर में है जेबू डोंगा, जो 1987 में रिलीज हुआ था. बजट था 70 लाख, कलेक्शन था 9 करोड़ और इसको सुपर हिट का टैग मिला था. 24 नंबर में है रुद्रवीणा, जो 1988 में रिलीज हुआ था. बजट था 80 लाख, कलेक्शन था 3 करोड़ और इसको सेमी हिट का टैग मिला था. 25 नंबर में है यहूदी मुगुडू, जो 1988 में रिलीज हुआ था. बजट था 1 करोड़, कलेक्शन था 15 करोड़ और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था. 26 नंबर में है खैरी नंबर 786, जो 1988 में रिलीज हुआ था. बजट था 7 लाख, कलेक्शन था 9 करोड़ और इसको सुपर हिट का टैग मिला था. 27 नंबर में है मराना मृदंगम, जो 1988 में रिलीज हुआ था. बजट था 1 करोड़, कलेक्शन था 7 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था. 28 नंबर में है ट्रिनिटी, जो 1988 में रिलीज हुआ था.
बजट था नब्बे लाख कलेक्शन था 3 करोड़ और इसको सेमी हिट का टैग मिला था। 29 नंबर में है युद्धभूमि जो 1988 में रिलीज हुआ था। बजट था 2 करोड़ कलेक्शन था 1.5 करोड़ और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 30 नंबर में है स्टेट राउडी जो 1989 में रिलीज हुआ था। बजट था 2.5 करोड़ कलेक्शन था 12 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। 31 नंबर में है रुद्र नेचर जो 1989 में रिलीज हुआ था। बजट था 2 करोड़ कलेक्शन था 6 करोड़ और इसको सेमी हिट का टैग मिला था। 32 नंबर में है लंकेश्वर उडू जो 1989 में रिलीज हुआ था। बजट था 3 करोड़ कलेक्शन था 1 करोड़ और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 33 नंबर में है कोडली की डोंगक जो 1990 में रिलीज हुआ था। बजट था 3 करोड़ कलेक्शन था 9 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। 34 नंबर में है जिगदे का विरुदू अचलो का सुंदरी जो 1990 में रिलीज हुआ था। बजट था 1 करोड़ कलेक्शन था 12 करोड़ और इसको सुपर हिट का टैग मिला था। 35 नंबर में है कोडम सिंहम जो 1990 में रिलीज हुआ था। बजट था 1 करोड़ कलेक्शन था 8 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। 36 नंबर में है प्रतिबंध जो 1990 में रिलीज हुआ था। बजट था 4 करोड़ कलेक्शन था 2 करोड़ और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 37 नंबर में है राजा विक्रमार्का जो 1990 में रिलीज हुआ था। बजट था 2 करोड़ कलेक्शन था 5 करोड़ और इसको एवरेज का टैग मिला था। 38 नंबर में है स्टोलपुरम पुलिस स्टेशन जो 1991 में रिलीज हुआ था। बजट था 6 करोड़ कलेक्शन था 4 करोड़ और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 39 नंबर में है गैंग लीडर जो 1991 में रिलीज हुआ था। बजट था 5 करोड़ कलेक्शन था 18 करोड़ और इसको सुपर हिट का टैग मिला था। 40 नंबर में है राउडी एलडू जो 1991 में रिलीज हुआ था। बजट था 5 करोड़ कलेक्शन था 17 करोड़ और इसको सुपर हिट का टैग मिला था। 41 नंबर में है घराना मंगोडू जो 1992 में रिलीज हुआ था। बजट था 3 करोड़ कलेक्शन था 10 करोड़ और इसको सुपर हिट का टैग मिला था। 42 नंबर में है आपद बंद वुडू जो 1992 में रिलीज हुआ था। बजट था 2.5 करोड़ कलेक्शन था 1 करोड़ और इसको सेमी हिट का टैग मिला था। 43 नंबर में है आज का गुंडा राज जो 1992 में रिलीज हुआ था। बजट था 7 करोड़ कलेक्शन था 23 करोड़ और इसको सुपर हिट का टैग मिला था। 44 नंबर में है मुठा मिस्ट्री जो 1993 में रिलीज हुआ था। बजट था 3 करोड़ कलेक्शन था 10 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। 45 नंबर में है मैकेनिकल लड्डू जो 1993 में रिलीज हुआ था। बजट था 2 करोड़ कलेक्शन था 10 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। 46 नंबर में है मगुरु मंगलू जो 1994 में रिलीज हुआ था। बजट था 5 करोड़ कलेक्शन था 8 करोड़ और इसको एवरेज का टैग मिला था। 47 नंबर में है एचपी परशुराम जो 1994 में रिलीज हुआ था। बजट था 8 करोड़ कलेक्शन था 5 करोड़ और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 48 नंबर में है द जेंटलमैन जो 1994 में रिलीज हुआ था। बजट था 10 करोड़ कलेक्शन था 10 करोड़ और इसको डिजास्टर का टैग मिला था। 50 नंबर में है अलूडे मजा का जो 1995 में रिलीज हुआ था। बजट था 2 करोड़ कलेक्शन था 9 करोड़ और इसको सेमी हिट का टैग मिला था। 50 नंबर में है बिग बॉस जो 1995 में रिलीज हुआ था। बजट था 10 करोड़ कलेक्शन था 8 करोड़ और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 51 नंबर में है रिक्शा वोडू जो 1995 में रिलीज हुआ था। बजट था 11 करोड़ कलेक्शन था 6 करोड़ और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 52 नंबर में है सिपाही जो 1996 में रिलीज हुआ था। बजट था 3 करोड़ कलेक्शन था 10 करोड़ और इसको सेमी हिट का टैग मिला था। 53 नंबर में है हिटलर जो 1997 में रिलीज हुआ था। बजट था 5 करोड़ कलेक्शन था 20 करोड़ और इसको सुपर हिट का टैग मिला था। 54 नंबर में है मास्टर जो 1997 में रिलीज हुआ था। बजट था 8 करोड़ कलेक्शन था 22 करोड़ और इसको सुपर हिट का टैग मिला था। 55 नंबर में है बाबागारो बागुंदारा जो 1998 में रिलीज हुआ था। बजट था 3 करोड़ कलेक्शन था 16 करोड़ और इसको सुपर हिट का टैग मिला था। 56 नंबर में है चुड़ैलानी बूंदी जो 1998 में रिलीज हुआ था।
बजट था 5 करोड़ कलेक्शन था 13 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। 57 नंबर में है स्नेहम कौसम जो 1999 में रिलीज हुआ था। बजट था 2 करोड़ कलेक्शन था 10 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। 58 नंबर में है इधर मिट्रलू जो 1999 में रिलीज हुआ था। बजट था 5 करोड़ कलेक्शन था 7 करोड़ और इसको एवरेज का टैग मिला था। 69 नंबर में है अन्नाया जो 2000 में रिलीज हुआ था। बजट था 9 करोड़ कलेक्शन था 23 करोड़ और इसको सुपर हिट का टैग मिला था। 60 नंबर में है मृगराजू जो 2001 में रिलीज हुआ था। बजट था 7 करोड़ कलेक्शन था 4 करोड़ और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 61 नंबर में है श्री मंजुनाथ जो 2001 में रिलीज हुआ था। बजट था 7 करोड़ कलेक्शन था 11 करोड़ और इसको सेमी हिट का टैग मिला था। 62 नंबर में है डैडी जो 2001 में रिलीज हुआ था। बजट था 12 करोड़ कलेक्शन था 20 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। 63 नंबर में है इंदिरा जो 2002 में रिलीज हुआ था। बजट था 10 करोड़ कलेक्शन था 40 करोड़ और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 64 नंबर में है टैगोर जो 2003 में रिलीज हुआ था। बजट था 13 करोड़ कलेक्शन था 30 करोड़ और इसको सुपर हिट का टैग मिला था। 65 नंबर में है एजी जो 2004 में रिलीज हुआ था। बजट था 25 करोड़ कलेक्शन था 40 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। 66 नंबर में है शंकर दादा MBBS जो 2004 में रिलीज हुआ था। बजट था 20 करोड़ कलेक्शन था 45 करोड़ और इसको सुपर हिट का टैग मिला था। 67 नंबर में है अंधेरीवाडू जो 2005 में रिलीज हुआ था। बजट था 14 करोड़ कलेक्शन था 25 करोड़ और इसको एवरेज का टैग मिला था। 68 नंबर में है जय चिरंजीवा जो 2005 में रिलीज हुआ था। बजट था 24 करोड़ कलेक्शन था 33 करोड़ और इसको सेमी हिट का टैग मिला था। 69 नंबर में है स्टालिन जो 2006 में रिलीज हुआ था। बजट था 16 करोड़ कलेक्शन था 50 करोड़ और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 70 नंबर में है शंकर दादा जिंदाबाद जो 2007 में रिलीज हुआ था। बजट था 25 करोड़ कलेक्शन था 40 करोड़ और इसको सुपर हिट का टैग मिला था। 71 नंबर में है खैरी नंबर 150 जो 2017 में रिलीज हुआ था। बजट था 50 करोड़ कलेक्शन था 164 करोड़ और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 72 नंबर में है साइरा नरसिम्हा रेड्डी जो 2019 में रिलीज हुआ था। बजट था 200 करोड़ कलेक्शन था 2040 करोड़ और इसको एवरेज का टैग मिला था। 73 नंबर में है आचार्य जो 2022 में रिलीज हुआ था। बजट था 140 करोड़ कलेक्शन था 76 करोड़ और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू माय